ये तो मैंने सोची ना थी। चलो वी आर इन क्रूज कंट्रोल। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे जो है जयपुर फॉरेस्ट जैसा मुझे फील आ रहा है एकदम पूरा। वाओ नाइस। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बेलपहाड़ी के अंदर और अभी हम जा रहे हैं नीचे। ये जंगल में मंगल करेंगे। हम घुस चुके हैं हम जंगल में। अभी ऊपर से इतना नीचे आने के बाद हमें मिला यहाँ पे पानी। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं चिचड़ा और चिचड़ा से होते हुए सीधा जाएगा ये रास्ता बेल पहाड़ी को और देन हो जाएगा घगड़ा। क्या कह रहे हो गाइस? अभी हमें ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा वो भी ऐसे रास्ते से। क्या बात है। उम्मीद करता हूँ पूरा रास्ता ऐसा ना हो। बस छोटे मोटे तो ठीक है बट पूरा रास्ता अगर ऐसा हुआ बहुत गलत सीन हो जाएगा। देख के लग तो नहीं रहा बस सही का है मुझे जितना लग रहा है। ओहो हो क्या मज़ा आ रहा है। ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। और अभी हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो। फिर से स्टार्ट हो गया गाइस ऑफ रोडिंग। ये तो मैंने सोची ना थी कि यहाँ पे ऑफ रोड भी करना पड़ेगा वो भी ऐसे मेन रास्ते पे। ओ भाई अबे कहाँ जाना है? हेलो हैं? ओ नो ओह नो फक। चलो गाइस चढ़ते ऊपर। ओ चढ़ गया। वाओ व्हाट इज दिस? एक मंजिला टाइप नीचे और ऊपर। वाओ क्या रास्ता है। हो आ गया पेड़। वाओ 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 क्या ऑसम जगह है। क्या ऑसम जगह है एक नंबर। एक नंबर जगह। देखो गाइस लेफ्ट साइड देखो राइट साइड देखो अगेन लेफ्ट साइड देखो। क्या ऑसम जगह है। वाओ नाइस। ये हम कहाँ जा रहे हैं? पूरा सबवे के अंदर से घूम के। वाओ ये नया सा ऐसे स्टार्ट हुआ है गाइस। मतलब हो चुका है स्टार्ट बट पेंट वगैरह हो रहा है। ओके ये रेलवे का सबवे है। नाइस। ये सेम है जैसा कि हमारा कुन्नगर स्टेशन में था लेकिन कुन्नगर स्टेशन में इससे काफ़ी ज़्यादा छोटा था लेकिन ये वाला बहुत ही बड़ा और अच्छा वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन है तो इसीलिए ऐसा जो है सबवे कर दिया है यहाँ पे। पहले से ऐसे क्रॉसिंग था पीछे। चलो वी आर इन क्रूज कंट्रोल। बिल्कुल यहाँ पे जो है जयपुर फॉरेस्ट जैसा मुझे फील आ रहा है एकदम पूरा सेम टू सेम जयपुर फॉरेस्ट जैसा। रास्ता भी काफ़ी ओपी है गाइस यहाँ का लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर्स है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस 250 किलोमीटर यहाँ पे डन हो चुका है। 255 हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। बाकी देखते हैं अभी भी कितने किलोमीटर रहते हैं। ऐसे 15 किलोमीटर के आसपास होगा तो काफ़ी ज़्यादा
हो चुका है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 300 के आसपास होगा, लेकिन 300 होने वाला है, मतलब होने नहीं वाला है, हो जाएगा, मुझे इतना लग रहा है जाते जाते। बाकी देखते हैं गाइस कब तक पहुँचते हैं। टाइम की बात करें तो 12:15 हो रहा है अभी, तो 12:30 तो होना एक्सपेक्टेड टाइम था, तो उस हिसाब से देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो अभी भी शायद से 5-6 किलोमीटर बाकी है, देखते हैं। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बेलपहाड़ी के अंदर, और अभी हम जा रहे हैं नीचे। ये गाड़ी को कर दो न्यूट्रल और मज़े लो बस। वाह क्या बात है। घाघरा फाइनली 259.8 किलोमीटर के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे घाघरा पे। 1.1 किलोमीटर मतलब 261 या फिर 262 होने वाला है, और एडिशनल 2 किलोमीटर जो कि मेरा रीसेट था, इसका मतलब है 264 मेरे घर से। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं घाघरा के वाटरफॉल्स पे, और फिलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं उसी की ओर, लेकिन यहाँ पे कोई भी झरना तो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मे भी सूख चुका है, पानी नहीं है अभी। तो आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू। तो गाइस ये है जगह, प्लेस मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पे पानी है, लेकिन ये आप देख सकते हो झरना का भी कोई भी पानी वगैरह नहीं है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे पत्थर के ऊपर से होते हुए। तो आपको एरिया दिखाता हूँ गाइस, एरिया देख सकते हो आप यहाँ से। अभी जैसा फील हो रहा है, थोड़ा बहुत वर्कआउट मेरे को भी करना है। ऐसे कंडीशन में ही हालत ख़राब हो रहा है तो और क्या ही बोलूँगा। तो अभी हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ से जाने का रास्ता है या फिर नहीं है। यहाँ से वहाँ तक हम जा सकते हैं, बहुत सारे बंदे जा भी रहे हैं। चलो गाइस मैं भी यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो झरने का पानी नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से शायद से एक टाइम पे झरना बहता था, अभी तो नहीं बह रहा है फिलहाल के लिए। जंगल में मंगल करेंगे, हम घुस चुके हैं हम जंगल में अभी। तो गाइस यहाँ से हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले एरिया देख लो आप, यहाँ पे है पूरा जंगल, यहाँ से हम चढ़ेंगे। तो चलो गाइस ऊपर चढ़ते। आउच 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 आउ ये जंगल में मंगल करेंगे हम, कितना बड़ा बड़ा पेड़। जयपुर में जब मैं गया था ना जयपुर फॉरेस्ट पे, बहुत इच्छा था जंगल के अंदर जाने का, लेकिन जा नहीं पाया था। आज मौका मिला है, छोड़ूंगा नहीं। चल थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं, लेट्स गो। देखता होगा ऐसे ये वाला रास्ता कहाँ तक जाता है, कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा ज़रूर से। बाय द वे गाइस मैं एंट्री नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा गोप्रो का चार्ज ख़त्म हो गया था इसलिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर जगह आपको दिखाता हूँ अंदर का, जाने के टाइम पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से हम आए हैं और कहाँ से हमने गाड़ी वगैरह पार्क किया है, वो सब कुछ आपको दिखा दूंगा। पहले ये वाला जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, रास्ता ना भूल जाओ, बस मेन बात ये है। एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बैकआउट करके देख सकता हूँ। तो हम वहाँ से आए थे गाइस, शायद ही आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आए थे घूम घूम के, इधर से घूम घूम के हम यहाँ पर आ गए। और देखता हूँ यहाँ पर कहाँ जा सकता हूँ, इधर एक रास्ता जा रहा है लेकिन घूम के शायद सही पर ही जा रहा है, और यहाँ से एक रास्ता है, इधर से गाड़ियों का आवाज़ आ रहा है तो मे भी हो सकता है ये रास्ते में कनेक्ट होता है जाके। गाइस फाइनली हम जंगलों के अंदर से बाहर निकल चुके हैं, और अभी नीचे यहाँ पे जाने की कोशिश है हमारी। ऊपर से इतना नीचे आने के बाद हमें मिला यहाँ पे पानी। अब ये पानी क्या साफ़ पानी है या फिर साफ़ नहीं है वो देखने वाली बात होगा। साफ ही तो है, लग रहा है गाइस देख सकते हो, देख के तो साफ ही लग रहा है। हाथ मुँह धो लूँ क्या इससे? यहाँ से हम आए थे ऊपर से घूम के, ऐसे इधर से पूरा घूम के आए हम, और यहाँ पे हमें मिला है पानी। सोच रहा हूँ यहाँ से हाथ मुँह धो लूँ थोड़ा सा।
गाइस अभी हम जो है इधर आ गए हैं, तब उधर गए थे, अब देख सकते हो इधर से घूम के पूरा यहाँ से आए हैं और अभी हम जा रहे हैं इधर से, देखते हैं ये वाला जगह जो है एक्सप्लोर करते, वो वाला तो एक्सप्लोर करके देख लिया, यहाँ पे क्या होगा। सांस फूल रहा है मुझे मेरा, जैसे कि आपको वॉइस से पता चल ही रहा है। कहाँ हम बाइक्स वगैरह चलाते हैं वहाँ पे हमें पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, तो सांस तो फूलेगा ही ना। वर्कआउट के नाम पे कुछ नहीं करता लाइफ में। ओह थोड़ा सा छाव मिला, अब थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे रुकता हूँ गाइस, आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो ये है व्यू, यहाँ पे एक जो जगह है मेनली यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे बरसात का टाइम होता है पानी पूरा भर जाता है, ठीक है, लेकिन अभी उसके अलावा कभी भी पानी नहीं रहता, ऐसा ही छोटा मोटा पानी रहता है जैसे कि यहाँ पे लोकल ने हमें बताया। और बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसा एरिया है कुछ। और उधर की बात करें तो उधर की तरफ झरना है जहाँ से हम थोड़ी देर पहले घूम के आपको दिखाया शॉर्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे गाइस सेम झरना भी बरसात के टाइम पे ही होता है, अदरवाइज और कोई भी टाइम पे नहीं होता है। तो देखो हम वहाँ से आए, उधर गया था, फिर इधर से घूम के हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे सूरज और यहाँ पे जंगल। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, घूमना वगैरह हो गया और आप यहाँ पर देख सकते हो एरिया, सनलाइट कितना ओपी लग रहा है। तो यहाँ से हम पहले गए थे, फिर हम उधर गए, उधर से घूम के अभी हम यहाँ से आए और अभी यहाँ से होके हम जा रहे हैं। पार्किंग सामने है हमारा, बाइक वहाँ पे पार्क करके रखा हो, तो चलो गाइस चलते हैं यहाँ तक। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर पार्किंग पे, यहाँ से हम नीचे आए थे और गाड़ियाँ क्या, एक ही गाड़ी है यहाँ पे पार्क है हमारा। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, चीज़ों को सारे सेट करते हैं, GoPro माउंट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस ये एक और शॉट्स ले रहा हूँ मैं लास्ट में, ये वाला मैं एरिया आपको यहीं दिखाया था। तो हम जो ऊपर से आए थे यहाँ पे गाड़ी रखा है और यहाँ पे जो एरिया है ये पूरा पार्किंग लॉट है, ठीक है, और यहाँ पे पिकनिक वगैरह भी बंदे करते हैं काफ़ी सारे। तो हम गए थे इधर की ओर, यहाँ से नीचे गए थे और यहाँ से भी जाने का सेम रास्ता है, तो हम पूरा घूम के आए। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गाइस, अभी यहाँ पे सारी चीज़ों को सेट करके, ठीक है, हेलमेट वगैरह पहन के पूरा जो यहाँ पे गियर अप होके मैं आपसे मिलता हूँ आगे। जो रास्ता था ये आपको मैंने दिखा नहीं पाया था आने के टाइम पे, क्योंकि मेरा GoPro का बैटरी ख़त्म हो गया था। हमेशा ऐसा ही होता है, कहीं पे भी कोई भी लोकेशन में जाता हूँ उसके जस्ट पहले ही जो यहाँ पे मेरा बैटरी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी देख लो गाइस, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, वो वाला जो ढलान था वहाँ से जैसे ही मैं ऊपर आता था तो ये वाला रास्ता हमें मिलता था। तो उसके बाद अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जाएंगे हम बेलपहाड़ी, बेलपहाड़ी में जाके हम थोड़ा सा लंच करेंगे अभी दोपहर का खाना, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, ठीक है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं पिया है, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है गाइस। तो अभी मैं ब्लॉग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, नहीं कोई बोलने के मूड में हूँ, तो डायरेक्टली चलते हैं वहाँ पे और डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ पे, चलो। तो गाइस अभी हम जो यहाँ पे लंच करने के लिए आए थे और जगह आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लंच किया, ठीक है, और प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक खाना था, ठीक है, 130 करके प्लेट था, 140 करके प्लेट था, नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे होता है भात दाल आलू पोस्तो, और उसके साथ क्या था, एक आलू का कोई तरकारी था, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली क्या बोलते उसको, और मैंने चिकन लिया था, तो वो चिकन का प्लेट था यहाँ पे 140 में। और अगर मैं सिर्फ मतलब निरामिस जिसको बोलते हैं नॉन वेज भेज लेता तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है 70 रुपीज़ के आसपास पड़ता, तो ठीक ठाक है। इसके अलावा और कोई हमें यहाँ पे नहीं मिला होटल वगैरह, तो हम जो यहाँ पे स्टे किए, अभी मैं आपको रियल वाला व्यू दिखाता हूँ। तो ये वाला जो होटल है आप देख सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, तो यहाँ पे है हमारा गाड़ी, इस तरफ था वो बेलपहाड़ी, ये बेलपहाड़ी ही है हालांकि, तो हम जाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो अगर आप कोई भी आते हो यहाँ पे तो आराम से यहाँ पे आप दोपहर का लंच कर सकते हो। होटल का जो नाम था वो था लालाजी होटल, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और जो यहाँ पे एक अंकल था वो हमारे वहाँ पे ही रहता है ससुरा में, तो वहाँ से जो है यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। तो मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड है, अगर आप चाहो तो आके यहाँ पे अपना लंच कर सकते हो। मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ और मिलते हैं रास्ते पे आपसे, चलो आगे।
तो गाइस इसके बाद मैंने उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया था, क्यों? क्योंकि मेरा GoPro का जो है SD कार्ड वो जो है फुल हो गया था। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन मेरा दो दो SD कार्ड फुल हो गया था, तो मैं कुछ भी शूट नहीं किया था उस दिन। और रात को उस दिन मैं घर लौट रहा था लगभग 8:30 बजे के आसपास, और उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि उसके बाद मैं एक दोस्त के घर गया था, एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो इसलिए मैं उस दिन जो यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो उसके बाद आज मैं यहाँ पे जो इसका आउट्रो शूट कर रहा हूँ, आज है 23 जनवरी, रात के बज रहे 1:30। कल सुबह ब्लॉग आएगा, कल सुबह नहीं, आई गेस दोपहर तक आ जाएगा, 1 बजे के आसपास। तो अभी आउट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ब्लॉग पूरा रेडी है, इसके बाद मैं अपलोडिंग में डाल दूंगा, कल सुबह के लिए शेड्यूल भी कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, 1 महीना लेट होके आया हूँ मुझे पता है, क्योंकि इसके बाद मैं गया था पुरुलिया, तो पुरुलिया का भी जो ब्लॉग से वहाँ पे आने वाला है वो जो है एपिसोड वाइज आएगा, 3 से 4 एपिसोड में भी होगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीक से, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर पूरा मैं एडिटिंग डन कर दूंगा, फिर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उसको चैनल पे अपलोड करने के लिए। फिलहाल के लिए अगर ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया तो ठोको लाइक, चेपो कमेंट और दबाओ सब्सक्राइब बटन, नीचे होगा यहाँ पे रेड कलर का अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।